सो हेलो, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे जून 2019 के क्वेश्चन, जो कि रिएजेंट केमिस्ट्री के ऊपर पूछे गए 2004 मार्क के। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, रिएक्शन ऑफ मोनो डाइसैक्राइड रिएक्शन विद टू इक्वेलेंट्स ऑफ HIO4 पर आयोडिक एसिड इक्वेलेंट प्रोपेन डायोल। तो मैं प्रोपेन डायल मतलब आपके पास CH स्ट्रक्चर होगा, ओके, CH CH2 C डबल बॉन्ड OH CH2 मीन्स दो एल्डिहाइड ग्रुप, फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड HCO2 स्ट्रक्चर ऑफ ए इज। तो आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा गया है। तो एक्चुअली इसके लिए आपको पर आयोडिक एसिड वाला मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो जनरली पर आयोडिक एसिड स्पेशली यूज़ करते हैं क्लीवेज ऑफ डायोल के लिए, ओके, क्लीवेज ऑफ डायोल। तो जनरली होता क्या, इस रिएक्शन में अगर आपके पास डायोल है मान लेते इस तरह से, तो ये दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करके एल्डिहाइड बना लेता है, ओके, एल्डिहाइड बना लेगा, ओके, इस तरह से डायल को क्लीव करता है। तो इसका मैकेनिज्म ये साइक्लिक ईस्टर फर्स्ट बनाता है पर आयोडिक एसिड, देन इसका बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद आपको एल्डिहाइड मिलता है। तो मैकेनिज्म देखना है तो आपको पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है मैंने पर आयोडिक एसिड का, आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसमें क्या है, जनरली होता है आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है लेकिन डायोल का, ओके। तो लेट्स सी, अगर उस वीडियो आप देखोगे तो जनरली जो कीटो ग्रुप अगर आपके कंपाउंड में होता है इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू CO2, ओके, CO2 में कन्वर्ट होता है। लेकिन आपको दिया है कि जो ए का स्ट्रक्चर है उसमें CO2 नहीं मिलता, इसमें मिलता है फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड मिलता है और फॉर्मिक एसिड। सो बी आपका नहीं हो सकता स्ट्रक्चर, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको दिया है पर आयोडिक एसिड, मीन्स पर आयोडिक एसिड दिया है दो इक्विवेलेंट, मतलब आपको सिर्फ दो डायोल के बॉन्ड ब्रेक करने हैं, ओके, दो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करने हैं, ओके, और ऐसे ब्रेक करने जाके आपको प्रोपेन डायल मिले। मतलब क्या, यहाँ पे आपको दो हाइड्रोजन बीच में मिल जाएंगे, बिकॉज आपका एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा जहाँ पे दो हाइड्रोजन है। तो ऐसे कौन से कंपाउंड है जिसमें CH2 दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, एक C है और एक A है। अगर D में देखो तो सब जगह डायोल है, ओके, सो दिस विल गेट कैंसल, ओके। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं A और C। अभी क्वेश्चन क्या दिया है आपको, प्रोपेन डायल मिला है, फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें भी CH2OH है, इसमें भी CH2OH है, तो ये आपका फॉर्मल्डिहाइड देगा, ये भी आपका फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे CH2H है, सो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ओके, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होगा, ये CH2OH यहाँ पे इसका आपका ये वाला ग्रुप बन जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ए। तो जो ए आंसर होगा, तो इसमें आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, CH2CH CH CaOH, ओके, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में, देन ये बॉन्ड ब्रेक होकर आपको एक फॉर्मिक एसिड मिलेगा, ओके, फॉर्मिक एसिड मिलेगा और एक आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, ओके। तो टोटल कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 5। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, बिकॉज आपको प्रोपेन डायल बनाना है, प्रोपेन डायल मतलब दो एल्डिहाइड, और प्रोपेन डायल में आपके पास दो CH2 ग्रुप है। तो यहाँ पे जनरली ये कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं ब्रेक करता अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे डायल होना चाहिए, अगर ये OH होता तो बात अलग होती, जिसकी वजह से आंसर आपका ए बनता है, ओके। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए जनरली कार्बोनिल ग्रुप कब कैसे बनते हैं, CH2OH एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है कि कीटो में कन्वर्ट होता है, ओके। इसके लिए मेरे पूरा डिटेल वीडियो बनाया है फॉर पर आयोडिक एसिड के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क के लिए है। HBr ऐड किया 0 डिग्री पे, आपके पास अल्काइन है और आपके पास साइक्लोप्रोपेन है, यू हैव साइक्लोप्रोपेन और OH है। तो लेट सी रिएक्शन क्या होगा, आप HBr डाल रहे हो मतलब यहाँ पे कुछ H+ आएगा और Br- माइनस आएगा, तो कौन सी रिएक्टिव साइड होगी, ओके। सो यहाँ पे जो जनरली रिएक्टिव साइड होगी आपकी अल्कोहल होगा, ताकि आपका OH है वो गुड लिविंग ग्रुप नहीं, जैसे ही H+ डालोगे वो H2O+ में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अभी कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा क्यों, यहाँ पे मैंने अल्काइन पे अटैक क्यों नहीं किया, इसका रिएक्शन इसका कारण लिखो। यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बनाते हो और यहाँ से अल्काइन बनाते हो, इट विल लीड टू दिस टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, एक कॉन्सेप्ट होता है डांसिंग रेजोनेंस, जिसकी वजह से ये बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है,
ओके, तो जनरली इसकी जो फॉर्म्स होते हैं इस तरह से होते हैं, ये बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होता है बहुत, जिसकी वजह से ओके, और ये वैकेंट है, दिस इज़ अ वैकेंट ऑर्बिटल। तो जनरली डांसिंग रेजोनेंस में क्या होता है, अगर आपके साइक्लोप्रोपेन के बाजू वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन वैकेंट भी है तो ये बॉन्ड ब्रेक करके अपना कॉन्जुगेशन बनाता है इस तरह से, डबल बॉन्ड इस तरह से। तो इसके पास आपके पास थ्री टाइप के डबल बॉन्ड आ गए, मीन्स थ्री टाइप के ये स्ट्रेन रिलीव कर सकता है। ओके, आई थिंक दो तरह के। और ये जो माइग्रेशन और डबल बॉन्ड बनता है, मीन्स इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से जो आपका कार्बोकैटायन बनता है ओके, वो डांसिंग रेजोनेंस की वजह से कार्बोकैटायन हाईली स्टेबलाइज होता है। और इसके लिए आपका जो प्रोटोनेशन होगा वो साइक्लोप्रोपेन नहीं, अल्काइन पे नहीं, OH पे होगा, बिकॉज यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा OH ली होने के बाद वो डांसिंग रेजोनेंस की वजह से स्टेबल बनता है। ओके, दो ये रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बट ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, कहाँ पे आपका H प्लस ऐड होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके साथ क्या होगा अगर आपके पास ये कार्बोकैटायन बनता है तो। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका डांसिंग रेजोनेंस की वजह से स्टेबल कार्बोकैटायन है। उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड ऑब्वियसली डांसिंग रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और आपका जो ब्रोमीन होगा एक दोनों में से किसी साइड पे एक अटैक करेगा यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग खुलना चाहती है, स्ट्रेन रिलीज करना चाहती है। तो क्या होगा, जो ब्रोमीन होगा एक पोजीशन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा और आपको रिंग ओपनिंग प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी योर सी। ओके, बिकॉज ये जल्दी से जल्दी ओपन होना चाहती है, स्ट्रेन अपना रिलीज करना चाहती है, तो ब्रोमीन एक ही ऑप्शन है, साइक्लोप्रोपेन पे अटैक करके उसकी रिंग ओपन करके असाइक्लिक प्रोडक्ट मिले। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे LDA दिया है, ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, दिस इज नथिंग बट ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ओजोन दिया है, तो ओजोन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। ओजोन, ओजोन दो टाइप के होते हैं ओजोनोलिसिस, एक ऑक्सीडेटिव होता है, एक रिडक्टिव होता है। ओके, तो जो ऑक्सीजन ओजोन प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, इट विल लीड टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, और ऑक्सीजन प्लस रिड्यूसिंग एजेंट लीड टू रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो ऑक्सीडेटिव में होता क्या, जनरली आपको एसिड जनरली एल्डिहाइड से मिलता है या फिर कीटो मिलता है। ओके, COH मिलता है या फिर कीटो मिलता है। रिडक्शन में जनरली आपको एल्डिहाइड या फिर कीटो मिलता है, मीन्स एल्डिहाइड स्टेप तक ही जाता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ओके, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या किस तरह से डबल बॉन्ड है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, लेट्स सी, LDA दिया है ट्राईमिथाइल सिलाइल, मतलब ट्राईमिथाइल सिलाइल किसके ऊपर रिएक्ट करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर ही रिएक्ट करने के लिए दिया। जनरली ये ऑक्सीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर किया जाता है। उसके बाद ओजोनोलिसिस दिया है, सोडियम बोरोहाइड्राइड देन H3O एसिड हाइड्रोलिसिस दिया। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो इस तरह से स्टेप है, तो LDA क्या एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक हिंडर्ड बेस है, तो प्रोटॉन कहाँ से निकालेगा, यहाँ से निकालेगा, जिसकी वजह से आपको इस तरह से एक इनोलेट मिल जाएगा। इनोलेट मिला, इनोलेट मिलने के बाद आपके पास क्या है, ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, आपको OTMSCl मिल जाएगा। ओके, OTMSCl मिल गया, तो फर्स्ट आपका ए प्रोडक्ट आ गया। अभी आपको बाकी वाली रिएक्शन देखनी है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो जनरली रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मीन्स डबल बॉन्ड होता है, ओजोनोलिसिस करता क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बोनिल ग्रुप बनाता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ओके, अब यहाँ पे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड ले, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो ये एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप बनाएगा। तो ये स्टेप आने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप देखते क्या होता है। ओके, तो दिस इज आवर प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेप में ये प्रोडक्ट मिला आपको। अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और सिंस ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो यहाँ पे आपका स्टेप ऑब्वियसली सोडियम बोरोहाइड्राइड आगे भी रिएक्ट करेगा, वो रिएक्शन आगे दी है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड मिलेगा और आपको कीटो मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं, बट यहाँ पे हाइड्रोजन है, सो इट विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड और ये आपका कीटो में कन्वर्ट होगा। ओके, तो इसका भी मैकेनिज्म रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का, ओजोनोलिसिस का मैंने अपने ओजोनोलिसिस के वाले वीडियो में डिटेल में दिया है, आप देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी आपके पास एल्डिहाइड मिला और कीटोन मिला, और सिंस आपके साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो किसको रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड और कीटो में से, इट विल रिड्यूस एल्डिहाइड बिकॉज इट हैज़ मोर रिएक्टिविटी, रिएक्शन रिंग ओपन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्लियर होने के बाद भी, ओके, इट विल फॉर्म अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, और TMS अभी भी है, दिस इज नथिंग बट OTMS, प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्या है, OH है, अभी आपके पास क्या है, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो जनरली एसिड हाइड्रोलिसिस इस ग्रुप को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे होगा, देखिए आपके पास ये ऑक्सीजन है, एक प्रोटॉन लेगा एसिड से, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा,
ये अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा और TMS OH करके निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देखिए आपके पास एक फ्रिडल क्रफ रिएक्शन की जैसा एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। सिंस यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है और पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने डबल बॉन्ड इस तरह अपने वापस ले लेगा, और जो आपके पास इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, सिंस OH के पास दो लोन पेयर है, ये इस तरह से अटैक करेगा इस पॉजिटिव सेंटर पर, और आपको एक 7 मेंबर की रिंग मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो लेट्स सी क्या आंसर है इसका। इट विल लीड टू डी आंसर। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी डी। तो ये ग्रुप दिस विल बी गेट रॉन्ग, बिकॉज आपको हम जनरली अगर सिर्फ ओपन करके छोड़ देते हो तो रिएक्शन होगी, बिकॉज एसिड हाइड्रोलिसिस का यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और आपके पास इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है और इंटरनल इलेक्ट्रोफाइल भी है, तो देर विल बी रिंग क्लोजिंग रिएक्शन, जिसकी वजह से ए आर बी रॉन्ग हो जाएगा। देन इसके बाद आपको बस देखना अटैक कहाँ पे होगा। अगर आपने गलत अटैक करा दिया, इट विल लीड टू सी। ओके, मीन अदर कोई अलग मैकेनिज्म यूज़ किया, इट विल लीड टू सी। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर विल बी डी। सो ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए था। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। या ये क्वेश्चन भी 4 मार्क का है। यहाँ पे पूछा आपको स्ट्रक्चर ऑफ मोनोटर्पिन अंडर गो फॉलोइंग डिग्रेडेशन इज। यहाँ पे आपको कीटोलैक्टोन बनाना है, और ये कीटोलैक्टोन अल्कलाइन के मोनोफोर के साथ हीट करके ये प्रोडक्ट मिलता है। तो जो कीटो ग्रुप होता है जनरली वो एसिड में बाद में कन्वर्ट हो जाता है डिग्रेडेशन के बाद। आप प्रोडक्ट देख के देख सकते हो यहाँ पे कुछ तो रिंग क्लोजिंग रिएक्शन हुई, मीन्स रिंग यहाँ पे बन रही है। ओके, मीन्स यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे कुछ तो ब्रेकिंग हो रही है। देन ये OH, देखिए OH भी यहाँ से डिमिनिश हो गया, प्रोडक्ट में कोई OH नहीं दिख रहा है, मतलब इस OH ने कहाँ ना कहाँ तो पार्टिसिपेशन किया है। ओके, देर इज सम पार्टिसिपेशन ऑफ दिस OH विद इन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो लेट्स सी क्या होगा जनरली इस केस में। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज योर, हम डायलूट KMnO4 ले रहे हैं, ए के साथ ट्राई कर रहे हैं। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड ए है तो यहाँ पे डायोल बनेगा। ओके, और आप CrO3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, इट विल लीड टू क्ली ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड टू फॉर्म अ कीटो एंड अल्डिहाइड, कीटो एंड अल्डिहाइड। ओके, मैंने CrO3 मीन से जोन्स रिएजेंट की वीडियो में ये डिस्कस नहीं किया था, वहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन वाला पार्ट किया था, लेकिन अब अगर आपके पास ऑक्सीजन है इस तरह से, वो भी एडजेसेंट पोजिशन पे, सो इट विल लीड टू कार्बन कार्बन क्लीवेज इस तरह से। ये मैकेनिज्म में साइक्लिक एस्टर बनेगा, जिसकी वजह से आपको क्लीवेज मिलेगा, जैसे पर आयडिक एसिड जैसा ही है, सिमिलर टू योर पर आयडिक एसिड मैकेनिज्म। उसके बाद क्या है, आपके पास इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है OH, तो क्या होगा, अभी इसके पास दो ऑप्शन है, अल्डिहाइड पर अटैक करेगा। ओके, इट विल अटैक ऑन कीटो और इट विल अटैक ऑन अल्डिहाइड। तो अगर इससे अटैक करता है, इट विल फॉर्म 1 2 3 4 5, विच इज़ रीजनेबल साइज रिंग। अगर इसने कीटो पर किया तो 1 2 3 4 5 6, तो जनरली जो प्रिफरेंस दिया जाता है सैचुरेटेड रिंग के लिए, वो 5/6। ओके, जिसकी वजह से आपको इस तरह से ये प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद क्या है, सिंस आपके पास ये नेगेटिव चार्ज अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास CrO3 है, फिर से ऑक्सीडेशन करेगा, सिंस यहाँ पे कीटोन आपका अनरिएक्टेड है, मीन्स ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में, तो रिएक्शन नहीं करेगा। उसके बाद इसका अल्कलाइन KMnO4 के साथ डिग्रेडेशन होके एसिड में कन्वर्ट होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी दिस ए। ओके, अगर लेट सॉरी, करेक्ट आंसर विल बी योर बी। ओके, बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नॉट ए, सॉरी, बिकॉज यहाँ पे आपका OH ऐड होगा। अगर हम यहाँ पे OH डालते हैं, लेट से यहाँ पे OH डालते हैं और यहाँ से फिर अटैक करेंगे, सिमिलर काइंड ऑफ मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो अलग ही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर एक यहाँ से ट्राई करेंगे, सॉरी, दिस विल बी योर, एक्चुअली सी विल बी करेक्ट आंसर, वेट, हाँ, या सी विल बी करेक्ट आंसर, नॉट बी, बिकॉज यहाँ पे मैंने देखा नहीं। ओके, सी विल बी करेक्ट आंसर, बिकॉज OH यहाँ पे है, तो OH यहाँ पे ही अटैक करेगा। ओके, नॉट बी, बिकॉज ये OH टर्शरी है। ओके, एंड डी विल बी, ये तो होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे बहुत नज़दीक है। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी सी। तो यहाँ पे आपको अल्कोहल की पोजीशन पे देखनी, कहाँ कहाँ से अटैक कर रहा है और किस तरह से पोजीशन बना रहा है और रिंग बना रहा है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। या दिस इज़ गुड क्वेश्चन। आपको अल्किन दिया है, ब्रोमीन दिया है और बेस दिया है, एंड लीड टू LDA। आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बनाया, इट इज़ अ नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, तो ये अटैक नहीं करता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। और LDA का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, डाई आइसोप्रोपाइल LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ओके, तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में पूरा LDA अटैच कर दिया है, लेकिन LDA अटैक नहीं करता, LDA बेस की तरह प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो बी यहाँ से चला गया आपका आंसर।
अगर आप प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी वाइज भी देखें, दिस विल फॉर्म क्यूमलिन। अगर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दिस आर नॉट वेरी स्टेबल कंपाउंड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अलिन्स कंपाउंड अगर हम देखें, और वो साइक्लोक्टिन रिंग में है, तो एक एक लॉजिक की बात है। ओके, दिस इज नॉट अ मैकेनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू की होगा। लेट्स सी ये वाला है, अगर लेट्स सी अभी रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास, वो देखते हैं प्रॉपर मैकेनिज्म से। हमारे पास डबल बॉन्ड है, बी आर है, तो क्या होगा यहाँ पे, नॉन क्लासिकल कैटायन बनेगा। अगर बी आर के साथ कुछ एक इनर्ट सॉल्वेंट या फिर विदाउट हीट बिट कुछ दिया है, तो डायरेक्टली फॉर्म द नॉन क्लासिकल कैटायन बी आर प्लस, और आपके पास फिर से बी आर आ जाएगा। तो ये बी आर कैसे एस एन टू एन टी अटैक करेगा, ओके एस एन टू एन टी अटैक करेगा इसमें, तो आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पे, एक बी आर ऊपर एक बी आर नीचे। ओके, बिकॉज ये सिमेट्री के आप ऊपर मीन्स अबव द प्लेन बिलो द प्लेन कुछ भी इसमें कर सकते हो, देर इज़ नो पॉइंट ऑफ चॉइस कि आप इसको ऊपर रखो इसको नीचे करो। इसके बाद क्या है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड डी है, तो क्या है बेस है। अभी बेस क्या करेगा, बेस विल लीड टू ई टू एलिमिनेशन। ओके, ई टू एलिमिनेशन, सिंस यहाँ पे जो ब्रोमीन है अबव द प्लेन है, वो जो हाइड्रोजन होगा बिलो द प्लेन होगा, सिमिलरली यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन होगा, सो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, फिर से आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। लेट मी ट्राई दिस वे, बट यहाँ पे मैं एक ब्रोमीन यहाँ पे रख रहा हूँ, ओके बिकॉज ब्रोमीन है अभी भी हमारे पास एक एलिमिनेशन होने के बाद। फिर इसे क्या, आपके एल डी ए, तो एल डी ए क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या होगा फिर से ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड इट विल लीड टू अनदर ई टू एलिमिनेशन। सो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑक्टाइन, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स सी मैकेनिज्म देखिए, फर्स्ट यहाँ पे नॉन क्लासिकल कैटायन बना, उसके बाद एंटी एडिशन हुआ, एंटी एडिशन के बाद ई टू एलिमिनेशन हुआ, और फिर से ई टू एलिमिनेशन हुआ, सो इट विल लीड टू योर ऑक्टाइन। ओके, ऑक्टाइन साइक्लोक्टाइन, सो करेक्ट आंसर विल बी योर ए। सो इसमें से एक ऑप्शन तो आराम से हम निकल सकते थे, एल डी अटैच किया है तो दैट विल बी रॉन्ग। ओके, सो सी और डी में मे भी कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा था कि ये मेरा लॉजिक था कि अगर क्यूमलिन आप अटैच करो साइक्लोक्टिन पे, ओके सो दैट कैन क्रिएट, जनरली क्यूमलिन्स की हम रिएक्शन बहुत कम देखते हैं। ये क्यूमलिन्स वाला पार्ट जनरली हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, डबल बॉन्ड के स्टीरियो केमिस्ट्री से देखते हैं, कार्बन कार्बन मीन्स एडजेसेंट में डबल बॉन्ड। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। या सो ये क्वेश्चन है, सोडियम साइनोबोरो हाइड्राइड इन एसिडिक मीडियम pH 4, तो ये क्या है आपको OH ऐड करना है, सॉरी H- ऐड करना है यहाँ पे। ओके, तो ये दिया है, ये वाला मैंने जब बताया था, अगर आपके पास इस तरह से दो 5 मेंबर की रिंग लगती है, यहाँ पे जो ग्रुप होता है ये डिसाइड करता है जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसकी पोजीशन। ओके, ये आपको इस बुक में मिल जाएगा, जुफेल या नांस की बुक है, उसमें रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग के चैप्टर में इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया है, तो ये उसी बुक से पूरा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता, ईस्टर नो कीटो यस। ओके, इसको आपको सेलेक्टिविटी पता होनी चाहिए, तो जहाँ जहाँ पे इसको रिड्यूस किया है, दिस विल बी रॉन्ग, दिस विल बी आई थिंक ये भी रॉन्ग है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन सी और डी में से होगा, और मैंने अभी बताया कि जो इसकी जो पोजीशन होती है, जो मीन्स ज्योमेट्री होती है, इस तरह से ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, जो आपका जो ग्रुप होगा इस साइड पे होगा। ओके, इस साइड पे होगा और ये डायरेक्ट करता है अटैक करने के लिए, दिस विल बी डायरेक्टिंग। ओके, ऊपर की साइड से अटैक नहीं होता, ये हिंडर्ड साइड है, जिसकी वजह से जो अटैक होगा इस साइड से होगा। और CO मीन्स अगर आप इस साइड से, अगर हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, तो आपका जो H माइनस आएगा वो भी बिलो द प्लेन से आएगा, जिसकी वजह से आपका OH अबव द प्लेन चला जाएगा। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी योर सी, विल बी करेक्ट आंसर। ओके, देखिए ये बुक से, ये बुक में प्रॉपर यही डायग्राम बताया गया है कि कॉनकेव फेस से सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ ईस्टर फ्रॉम लेस हिंडर फेस। तो ये जो बुक का मीन्स ओपन बुक का स्ट्रक्चर होगा, तो ये फेस आपका देखिए एंगल बना रहा है, सो दिस विल बी हिंडर्ड साइड, जिसकी वजह से जो मीन्स नीचे की साइड है ये इस तरह से है, तो यहाँ से अटैक करता है हिंडर्ड साइड, लेस हिंडर्ड साइड से, जिसकी वजह से आपका जो एच माइनस है वो नीचे की साइड से अटैक करता है, इसी साइड से जहाँ पे हाइड्रोजन दोनों अटैच है। ओके, इसकी वजह से आपका हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, सिमिलर टू योर ईस्टर। सो करेक्ट आंसर इज सी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक से, जुफेल की बुक में आपको इसका ये वाली आपका ट्रांजिशन स्टेट इसमें मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिगार्डिंग जून 2019 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।